वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कैसा हो कि एक दुनिया में काफी प्यारे प्यारे से छोटे क्रीचर्स रहा करते हो जिनका नाम ट्रोल्स हो। उन्हें नाचना, गाना और सबको हक करना बहुत पसंद है। लेकिन कैसा हो कि जब एक दिन उनके दुनिया में बहुत बड़े बड़े जाइंट क्रीचर आ जाएं जो कि उन्हें मार के खाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ खुशी के लिए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी ट्रोल्स की दुनिया में चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे से क्रीचर से मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारे लग रहे थे। इन्हें ट्रोल्स कहा जाता है। ये ट्रोल्स हमेशा खुश रहते हैं और इनके पास में सिर्फ तीन काम है। ये गाना गाते हैं, नाचते हैं और सबको हक किया करते हैं। इन्हें ट्रोल्स की हस्ती खेलती दुनिया में कुछ बुरे जाइंट्स आते हैं जिनका नाम बर्गन्स था। हमें पता चलता है कि बर्गन्स की लाइफ में कोई खुशियां है ही नहीं। एक दिन एक बर्गन ने एक ट्रोल को खा लिया, जिसके बाद उसे लगा कि सारी खुशी तो ट्रोल खाने से आती है। जिसके बाद ये सारे बर्गन्स मिलके ट्रोल को ढूंढ ढूंढ के खाने लगे। ट्रोल सिटी के अंदर हर जगह बर्गन्स आ गए और ट्रोल जिस पेड़ पे रहा करते थे उस पेड़ को कैद कर लिया। सारे बर्गन्स मिलके साल में एक दिन ऐसा सेलिब्रेट करते हैं जिसे ट्रोल्स डे कहा जाता है। उस दिन ये सारे बर्गन्स मिलके ट्रोल को खाया करते थे। हम यहाँ पे बर्गन्स के किंग को देखते हैं, जिसका एक छोटा बेटा था और वो होने वाला किंग था। इस प्रिंस ने आज से पहले कभी भी ट्रोल को नहीं खाया था और यही वो दिन था जो इसके लिए बहुत स्पेशल था। ट्रोल्स को पकड़ना और उन्हें कुक करने का काम यहाँ की स्पेशल शेफ किया करती थी। अब सारे बर्गन्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे शेफ प्रिंस को उठा के अपने पास ले आती है और पूछती है कि क्या तुम रेडी हो। छोटा सा प्रिंस बहुत एक्साइटेड था अपनी खुश होने के लिए। उसी समय शेफ सबसे स्पेशल वाले ट्रोल को पेड़ से तोड़ के छोटे से प्रिंस के पास ले आती है। लेकिन प्रिंस जैसे इस ट्रोल को खाता है तो वो मुंह से फेंक देता है और शेफ को पता चलता है कि ये ट्रोल तो असली नहीं है बल्कि एक वुडन डॉल है। जिसके बाद तब बर्गन्स का किंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है शेफ के ऊपर कि आखिर तुम्हें काम ही यही दिया गया था कि तुम ट्रोल का ध्यान रख सको। सारे लोग मिलकर ट्रोल्स को ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी को भी ट्रोल नहीं मिलता। छोटे से प्रिंस का दिल टूट गया था। अब जब शेफ ट्रोल्स को नहीं ढूंढ पाई तो रात होने पे उस शेफ को बर्गन टाउन से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस बात से शेफ को बहुत बुरा लगता है। जब प्रिंस पूछता है कि क्या आज के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा तो किंग यही बताता है कि तुमने अगर ट्रोल को नहीं खाया तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि सारे ट्रोल्स भाग के ट्रोल ट्री के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग बना चुके थे। ट्रोल्स का जो किंग था वो सारे ट्रोल्स को लेके भागने लगता है। उसका बस एक ही एजेंडा था कि कोई भी ट्रोल पीछे ना रहे। जब सारे हमले हो रहे थे तब ये ट्रोल्स अपनी स्पीड कम नहीं करते और वहाँ से आखिरकार बाहर निकल ही जाते हैं। ये जंगलों के बिल्कुल बीच में रह रहे थे और वहाँ पे भी अपनी बहुत सुंदर दुनिया बना चुके थे। जिसके बाद सीन पॉपी पे शिफ्ट होता है। ये ट्रोल के किंग की बेटी है जो कि अब बहुत बड़ी हो गई है और ये बाकी छोटे छोटे ट्रोल्स को स्टोरी बुक पढ़ के सुनाती है जहाँ पे वो यही सारी स्टोरी बताती है। ये छोटे छोटे ट्रोल्स पॉपी से पूछते हैं कि क्या आज भी बर्गन्स हमें खाना चाहते हैं और क्या वो आज भी हमें ढूंढ रहे हैं। तो पॉपी कहती है कि हाँ, ये बात सच है, हमें बर्गन्स आज भी ढूंढ रहे हैं लेकिन फिर भी हम तो खुश रहेंगे और एक साथ रहेंगे। पॉपी को पार्टीज करना बहुत पसंद था। इसी के साथ में ट्रोल का सबसे बड़ा रूल था कि ये हर एक घंटे में हक करते हैं। पॉपी के सारे फ्रेंड्स मिलके आज रात को एक बहुत बड़ी पार्टी सेलिब्रेट करने वाले थे क्योंकि 20 साल हो गए थे जब ट्रोल के किंग ने इन सारे ट्रोल्स को छुपा दिया था और आज भी बर्गन्स इन्हें नहीं ढूंढ पाए। इन्हीं में से एक ट्रोल था जिसका नाम ब्रांच था। वो सबको डीमोटिवेट करता है लेकिन डीमोटिवेट वो अच्छे के लिए करता था कि तुम सब लोग ज्यादा शोर मत करो, कहीं पकड़े ना जाओ। बाकी सारे ट्रोल्स ब्रांच को कहते हैं कि तुम हम जैसे क्यों नहीं हो, तुम हमारे जैसे गाना नहीं गाते, हमसे हग नहीं करते, अच्छी बातें नहीं करते। लेकिन पॉपी फिर भी ब्रांच की बातों का बुरा नहीं मानती और उसे शाम की पार्टी में आने के लिए इनवाइट भी करती है। अब हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो गई थी। ये अब तक के ट्रोल की 20 साल में सबसे बड़ी पार्टी थी। यहाँ पे साउंड था, डांस था, साथ ही में फायर क्रैकर भी थे। इतने बड़े फायर क्रैकर जो कि पूरे जंगल के अंदर रोशनी फैला रहे थे। यहीं पे इन ट्रोल्स की सबसे बड़ी गलती हो गई कि शेफ ने इस रोशनी को और साथ ही में म्यूजिक को सुन लिया। अब शेफ चाहती थी कि वो इन ट्रोल्स को पकड़ के किंग के बेटे के सामने लेके जाए ताकि वो रॉयल शेफ वापस से बन सके। और साथ ही में उस शेफ का एक प्लान और था कि वो मेन प्रिंस को मार के खुद क्वीन भी बन जाए। अब तक शेफ यहाँ पे पहुँच चुकी थी और कई सारे ट्रोल्स को इकट्ठा करके अपने पॉकेट में ले जाती है। एक बार तो ट्रोल किंग भी पकड़े जाने वाले थे लेकिन तभी पॉपी आके अपने फादर को बचा लेती है। लेकिन वो अपने बाकी के दोस्तों को नहीं बचा पाई। किंग बाकी के बचे हुए ट्रोल्स को बचाना चाहती थी, इसी के कारण सबको कहती कि हमें जल्द से जल्द पैकिंग करनी और इस जगह को छोड़ना है। लेकिन पॉपी कहती है कि मैं किसी भी ट्रोल को पीछे नहीं छोड़ूंगी, ऐसा आप ही तो कहा करते थे। तब किंग कहते हैं कि वो बहुत पुरानी बात थी, आज के टाइम में मैं अकेला वहाँ नहीं जा सकता। तो पॉपी कहती है कि वहाँ मैं जाऊंगी अकेली, लेकिन किंग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। पॉपी ये सारी गलती खुद की समझ रही थी, ना तो वो इतनी बड़ी पार्टी करती और ना ही शेफ इस पार्टी को सुन के यहाँ तक पहुँचती। पॉपी पहुँच जाती है ब्रांच के पास में क्योंकि ब्रांच ने बर्गन्स के ऊपर काफी स्टडी कर रखी थी। लेकिन ब्रांच को अब ज्यादा गुस्सा आता है और वो पॉपी को बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना
मना किया था, तुम्हें बात पहले ही मान जानी चाहिए थी। तब पॉपी कहती है कि हाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, लेकिन प्लीज अब मेरी हेल्प करो, वहाँ पे और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि अटके हुए हैं। लेकिन ब्रांच पॉपी की बात नहीं मानता और उसे अपने सीक्रेट चैम्बर में लेके जाता है। वो बताता है कि मैं यहाँ पे हमेशा खुश रहूंगा, मैंने 10 साल तक का खाना यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, ये अब तक की सबसे सेफ जगह है। पॉपी वापस से रिक्वेस्ट करती है ब्रांच से कि प्लीज मेरी मदद करो और मेरे साथ चलो, लेकिन ब्रांच मना कर देता है। पॉपी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो वापस नीचे उतर के आती है और कहती है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारे पास में 10 साल का खाना है, बाकी ट्रोल्स को छुपने की जगह चाहिए थी। इसी के कारण पॉपी सारे ट्रोल्स को ब्रांच के छुपे हुए चैम्बर में ले आती है ताकि सारे ट्रोल्स यहाँ पे छुप के रह सके। ब्रांच को ज्यादा ट्रोल के आसपास रहना और एक साथ पार्टी करना, ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। तो पॉपी ब्रांच को कहती है कि देखो तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, या फिर इन सारे ट्रोल्स के साथ में रह के रोज हक किया करना। अब पॉपी अपनी स्क्रैच बुक लेके बाकी दोस्तों को बचाने के लिए बर्गन्स टाउन की तरफ निकल जाती है, जहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो डरती नहीं है और गाना गाते गाते काफी दूर तक पहुँच जाती है। पॉपी को पता चलता है कि बाहर की दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है, हर जानवर बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं कि वो अलग अलग जानवरों से मिलती है, अलग अलग ग्राउंड्स में पहुँच जाती है, जिसके बाद सबसे खतरनाक जगह वो जाके गिरती है, स्पाइडर्स के घर में। वो पूरी तरीके से जालों में फंस गई थी और उसके बाद बेहोश भी हो गई थी। तभी हम देखते हैं वहाँ ब्रांच की एंट्री होती है, जो कि पॉपी को बचाने के लिए वहाँ पहुँच गया था। वो अपने बालों से सारे स्पाइडर्स को मार मार के भगा देता है और उसके बाद में पॉपी को उठाता है। ब्रांच इस समय बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि पॉपी इन चीजों को भी मजाक में ले रही है। जब ब्रांच पॉपी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई आइडिया है, तो पॉपी कहती है कि हाँ बस हम सीधा सीधा चलते जाएंगे बर्गन टाउन में, जाके अपने दोस्तों को ले आएंगे। तब ब्रांच कहता है कि हर चीज तुम मजाक में नहीं ले सकती हो। पॉपी को अच्छे से पता था कि ब्रांच अगर उसके पीछे आया है तो जरूर उसके पास कोई आइडिया भी होगा। अब ये दोनों ही बर्गन सिटी के अंदर एंटर करने वाले थे, लेकिन इन दोनों को अंदर पहुँचने के लिए ट्रोल ट्री से जाना पड़ेगा, जहाँ से जाने के लिए काफी सारे रास्ते थे। अब अगर ये लोग गलत रास्ते में चले गए तो शायद मारे भी जा सकते हैं। तभी इन्हें एक आवाज आती है कि इस रास्तों में से एक रास्ता बिल्कुल ठीक है। ये आवाज एक क्लाउड की थी, जिसे अच्छी तरीके से पता था कि सही रास्ता कौन सा है। उसकी एक शर्त थी कि वो ब्रांच से हाई फाई करना चाहता है, लेकिन ब्रांच को दोस्ती करना पसंद नहीं था, जिसके बाद ये क्लाउड ब्रांच को बहुत परेशान करता है। और आखिर में जब ब्रांच गुस्सा हो जाता है, तो ये क्लाउड उसे अपने पीछे पीछे भगा के सीधा ट्रोल ट्री तक ले आता है। बर्गन टाउन आने के बाद में ये ट्रोल्स देखते हैं कि ये बर्गन्स बहुत ज्यादा उदास है, इनके पास कोई होप ही नहीं है, ये किसी भी तरीके से खुश ही नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर ये ट्रोल्स को खाएंगे तो ही खुश रहेंगे, ये अनहाइजीनिक रहा करते थे और अब इन्हें पता था कि वो ट्रोल जरूर कैसल के अंदर मिलेंगे। इसी के कारण ये ट्रोल्स बर्गन्स के कैसल में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे ढूंढते हैं कि आखिर ट्रोल्स कौन से कमरे में हो सकता है। उसी समय पॉपी के हाथ में पहनी हुई वॉच चमक जाती है, जो कि 1 घंटे पे हक के कारण चमकती है। इसी समय हम देखते हैं कि एक ब्रिजेट नाम की बर्गन थी, जो कि इस पूरे कैसल की साफ सफाई करती थी। इसी समय इसके पास में एक बहुत बड़ा सा केज था, जिसके अंदर सारे ट्रोल्स थे, यानी कि पॉपी को पता चल गया था कि उसे अपने बाकी के ट्रोल्स कहाँ मिल सकते हैं। अब पॉपी और ब्रांच अपने दोस्तों के पास पहुँच गए थे ब्रिजेट के कमरे में आके। ये ऑलमोस्ट ताला भी खोल लेते हैं और बाकी दोस्तों को बाहर भी निकाल लेते हैं। ये जब यहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी पॉपी को पता चलता है कि ब्रिजेट प्रिंस से बहुत प्यार करती है, वो उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन वो उसे कभी कह नहीं सकती, क्योंकि ब्रिजेट ठहरी एक काम करने वाली और प्रिंस उसे इस हालत में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इधर ये ट्रोल्स भागने वाले थे और इसी समय ब्रिजेट भी जाग जाती है। ब्रिजेट इन सबको कहती है कि नहीं तुम नहीं भाग सकते, नहीं तो वो शेफ मेरी जान ले लेगी। ब्रिजेट इन सबको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पॉपी उसे समझाती है कि तुम रुक जाओ और हमें ये बात अच्छे से पता है कि तुम प्रिंस को पसंद करती हो। तब ब्रिजेट भी ये बात मान लेती है और कहती है कि मैं उसे कभी नहीं बोल पाऊंगी कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तब पॉपी कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। असल के अंदर पॉपी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसका एक दोस्त था जिसका नाम क्रीक था। शेफ चाहती थी कि उनका प्रिंस एक ट्रोल को खा ले, जिसमें से वो क्रीक को चूज करती है। पॉपी को अब तक भी लगा था कि क्रीक जरूर जिंदा होगा, इसी के कारण वो ब्रिजेट से डील करती है कि देखो हम तुम्हें बहुत सुंदर बना देंगे, तुम्हें नए कपड़े पहना देंगे, तुम्हारे हेयर्स का भी काम कर देंगे और जो जो तुम बोलना चाहती हो हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें प्रिंस के पास जाना पड़ेगा और हमारे दोस्त को ढूंढना पड़ेगा। ब्रिजेट पहले तो मना कर देती है, क्योंकि जब सारे ट्रोल्स गाना गा रहे थे तो ब्रांच गाना नहीं गाता, तो ब्रिजेट को लगता है कि ये प्लान तो बिल्कुल फ्लॉप है। लेकिन बाद में जाके ब्रांच भी ब्रिजेट को समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब पॉपी ब्रांच से पूछती है कि आखिर रीजन क्या है कि तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम गाना क्यों नहीं गाते। तब ब्रांच अपनी पास्ट स्टोरी बताता है कि एक दिन जब वो गाना गा रहा था तो उसमें इतना ज्यादा मगन हो गया था कि शेफ जब उसे मारने आ रही थी तो उसकी दादी ने ब्रांच को धक्का दे दिया और शेफ उसकी दादी को ले गई, जिसका जिम्मेदार वो अब तक भी खुद को मानता है। और उस दिन के बाद से ब्रांच ने कभी गाना नहीं गाया। पॉपी को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि चलो अब तुमने अपना दिल हल्का कर लिया। दिल हल्का करने के लिए दोस्त का होना बहुत
बहुत जरूरी है, जिसके बाद अब ब्रिजेट भी मान जाती है और ये सारे ट्रोल्स मिलकर ब्रिजेट को रेडी करने लग जाते हैं। अब ब्रिजेट को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया था। बात रही बालों की तो सारे ट्रोल्स उसके सर पे खड़े हो जाते हैं और खुद के बड़े बड़े बालों को रेनबो बना के उसके सर की हेयर स्टाइल रेडी कर देते हैं। अब ब्रिजेट बर्गन की सबसे ब्यूटीफुल बर्गन लग रही थी, वो जाके प्रिंस से मिलती है और प्रिंस को भी ब्रिजेट का ये न्यू लुक बहुत पसंद आता है। असल के अंदर वो अब तक जानता ही नहीं था कि ब्रिजेट कौन है। इन दोनों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, साथ में स्केटिंग करी थी, गाने गाए थे, इसी के कारण प्रिंस ब्रिजेट को बहुत पसंद करने लगा था। वो ब्रिजेट को कहता है कि तुम मेरे खास सेरेमनी पे आना, यानी कि ट्रोल दिवस पे, जहाँ पे तुम्हारी सीट बिल्कुल मेरे पास में रहेगी। अब टाइम था जब ब्रिजेट इनकी मदद करे, इसी के कारण सारे ट्रोल्स यहाँ से भागने लगते हैं और जाके सीधा प्रिंस के कमरे में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा लॉकेट था जिसे ये सारे ट्रोल चुरा के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी प्रिंस का क्रोकोडाइल इनके पीछे पड़ जाता है। बड़ी मेहनत से ये उस लॉकेट को अपने पास ले आए थे, लेकिन जब ये उसे खोलते हैं तो उसमें से क्रिक मिलता ही नहीं है। इन सबको लगता है कि प्रिंस ने जरूर उसे खा लिया होगा, लेकिन उसी समय शेफ आके इन सारी ट्रोल्स को एक साथ ही पकड़ लेती है। इस समय शेफ कहती है कि तुम ट्रोल्स तो मिल गए और साथ ही में अब मुझे बाकी के ट्रोल्स भी मिलने वाले हैं। तब पॉपी कहती है कि तुम्हें ट्रोल्स कभी नहीं मिलेंगे, वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तब शेफ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ट्रोल्स को नहीं ढूंढ सकती, मेरे पास में इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई और भी है। शेफ अपनी पॉकेट से क्रिक को निकालती है। सारे ट्रोल्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर क्रिक ने ऐसा क्यों किया। जब क्रिक को नीचे उतारा जाता है और ब्रांच बहुत ज्यादा गुस्सा था तो क्रिक से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो पॉपी उसे रोक देती है और कहती है कि जरूर इसकी कोई मजबूरी रही होगी। तब क्रिक बताता है कि हाँ, मैंने सच में गद्दारी करी है। तब तो पॉपी भी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसका गला दबाने वाली थी। तब क्रिक बताता है कि ये सब कुछ मेरी जान के बदले हुआ है, प्रिंस मुझे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था और खाने ही वाला था, और तभी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी इस बात की कि मैं सारे ट्रोल्स के बारे में बता दूंगा, आप बस मुझे छोड़ दीजिए। इसी के कारण शेफ ने क्रिक को छोड़ दिया और बाकी सारे ट्रोल्स का पता कर लिया। इसके कारण पॉपी और बाकी सारे ट्रोल्स बहुत दुखी होते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्रिक बाकी ट्रोल्स को अपने घर से बाहर निकालने के लिए पॉपी के बेल बजाना शुरू करता है। सारे ट्रोल्स को लगता है कि जरूर पॉपी लौट आई है, लेकिन ये सब कुछ तो शेफ का एक ट्रैप था। इसी के कारण वो सारे ट्रोल्स को इकट्ठा करके ले आती है और एक बहुत बड़े से डिश के अंदर डाल देती है, जिसके अंदर पॉपी, ब्रांच और बाकी सारे ट्रोल्स भी थे। पॉपी बिल्कुल डिसहार्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारी गलती उसकी है। ना तो वो उस दिन पार्टी करती, और अगर पार्टी करने के बाद में वो इन ट्रोल्स को बचाने की जिद नहीं करती तो शायद ये सब कभी नहीं पकड़े जाते। पॉपी पहली बार नेगेटिव बातें कर रही थी। ये चीज सुन के तो बाकी ट्रोल्स भी डिसहार्ट हो जाते हैं। इन सब का मैजिक एकदम से जाने लगता है, क्योंकि अब इनमें कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। इसी के साथ सीन या प्रिंस पे शिफ्ट होता है, जो कि अब तक भी अपनी फ्रेंड का वेट कर रहा था, जो कि थी तो असल में ब्रिजेट, लेकिन प्रिंस को इस बारे में कुछ नहीं पता था। ब्रिजेट भी प्रिंस के पास जाना चाहती थी, लेकिन ब्रिजेट को अच्छी तरीके से पता था कि अगर प्रिंस उसकी सच्चाई जान गए तो वो उसे कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ब्रिजेट को इस बारे में अच्छे से पता था कि अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो वो इन बाकी ट्रोल्स की किस्मत अच्छी कर सकती है। जब शेफ ब्रिजेट के ऊपर चिल्लाती है कि जितना जल्दी हो सके ट्रोल्स को बाहर ले आओ, तो ब्रिजेट समझ गई थी कि अब उसे ट्रोल्स को नहीं मारना है। ब्रिजेट सारे ट्रोल्स को बाहर निकाल देती है, सिर्फ इस वजह से कि जरूरी नहीं है कि खुशी ट्रोल्स को खा के मिलती है, बल्कि खुशी तो सबके अंदर होती है। पॉपी उसे बहुत समझाती है कि ब्रिजेट तुम बहुत बुरी फंस जाओगी, ये बात जब शेफ को पता चलेगा तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगी, लेकिन ब्रिजेट कहती है कि कोई बात नहीं, वो सारी चीजें मैं संभाल लूंगी, तुम लोग बस यहाँ से भागो। और अब जब शेफ ब्रिजेट को बहुत बार आवाज लगाती है तो ब्रिजेट अपने खाली डिश को लेके बाहर चली जाती है। सारे बर्गन ट्रोल्स को खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन प्रिंस अभी तक भी अपनी दोस्त का वेट ही कर रहा था। इसी के कारण वो कहता है कि क्या हम लोग कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। तब शेफ कहती है कि अगर आपकी दोस्त को आना होता तो वो कब किया जाती, शायद कोई पागल लड़की ही होगी जो कि आपके लिए मना कर देगी। इसी के कारण अब प्रिंस सभी को कहते हैं कि ठीक है, आप लोग खाना शुरू करिए। और अब जब इस डिश को ओपन किया जाता है तो डिश के अंदर एक भी ट्रोल नहीं मिलता। शेफ को लगता है कि ये सारे ट्रोल्स ब्रिजेट अकेली खा गई और किसी के लिए कुछ भी नहीं बचाया। इसी के कारण वो सारे गार्ड्स को बोलती है कि ब्रिजेट को मार दो, और इतनी ही देर के अंदर सारे ट्रोल्स ब्रिजेट के एक स्केट के अंदर बैठ के यहाँ पे बहुत शानदार एंट्री लेते हैं। वो सारे के सारे ब्रिजेट के पास पहुँच जाते हैं। ये सब ब्रिजेट के सर पे एक बार फिर से वही पुरानी वाली हेयर स्टाइल बना देते हैं, और साथ ही में ब्रिजेट वो स्केट भी पहन लेती है, जिससे कि प्रिंस पहचान जाता है कि ये तो उसी की दोस्त है। लेकिन ब्रिजेट ने आखिर झूठ क्यों बोला, जहाँ पॉपी उतर के कहती है कि ब्रिजेट को डर था कि तुम उसकी सच्चाई जान के कभी भी उससे प्यार नहीं करोगे, और अगर हम लोग यहाँ से चले जाते तो शायद ब्रिजेट तुम्हें कभी कह ही नहीं पाती कि वो तुमसे प्यार करती है। शेफ भड़क जाती है और अब वो कहती है कि ब्रिजेट को जल्दी से पकड़ लो, लेकिन उसी समय प्रिंस ऐसा करने से सारे गार्ड्स को मना कर देता है। पॉपी प्रिंस से पूछती है कि जब तुम पहली बार ब्रिजेट से मिले थे तो तुम्हें क्या अंदर से कुछ कुछ हो रहा था, तो प्रिंस और ब्रिजेट दोनों बोलते हैं कि हाँ, हमें कुछ कुछ हो रहा था। तब पॉपी बोलती है कि ये कुछ कुछ तुम्हारे अंदर
अल्लाह का प्यार ही है। ये सब कुछ टूल खाने से नहीं आता है, बल्कि ये सब कुछ अंदर अच्छा फील करने से ही आता है। शेफ का कहना था कि खुशी सिर्फ मेरे रूल से आएगी, जब तक कोई टूल को नहीं खाएगा तब तक किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी। तभी पॉपे प्रिंस से पूछती है कि क्या आप जब पहली बार ब्रिजिट से मिले थे तो उस समय क्या आपने किसी भी टूल को खाया था? तो प्रिंस मना कर देता है कि नहीं, किसी को भी नहीं खाया था। जिसके बाद अब प्रिंस इस लॉजिक को समझ गया था कि टूल खाने से कोई खुशी नहीं मिलती है, बल्कि साथ रहने से या फिर एक दोस्त मिलने से सारी खुशी मिलती है। सारे के सारे बर्गन्स एक साथ में चिल्लाते हैं कि अब हमें खुशी कब मिलेगी, जिसके बाद पॉपी अपना जलवा दिखाना शुरू करती है। इस पूरे बर्गन्स टाउन को एक बहुत अच्छे क्लब में बदल देती है। हर जगह म्यूजिक बजने लगता है, लाइट्स आने लगती है, सब डांस करने लगते हैं। देखते ही देखते सारे बर्गन्स एक साथ में डांस करने लगते हैं। सारे ट्रोल्स और बर्गन्स दोस्त बन गए थे, कोई भी बर्गन ट्रोल को नहीं खाना चाहता था। साथ ही में पॉपी और ब्रांच भी अब एक साथ हो गए थे। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।